पब्लिक समझती है कि रवि यादव ने ही आप पर हमला करवाया है, इस बारे में कुछ कहेंगे? क्या आप हमें बता सकते हैं सर, आप पर अटैक किसने किया? मुझ पर जो अटैक हुआ उसमें रवि यादव का कोई हाथ नहीं है। बैंगलोर में मेरा पुराना दुश्मन है, उसने ही मुझ पर हमला करवाया था। मैं आप लोगों का उद्धार करने या आपकी जिंदगी संवारने के लिए नहीं आया था। ये सब मैं कर रहा हूं अपने प्यार के लिए, सिर्फ अपने प्यार को जीतने के लिए और अपने स्वार्थ के लिए। मैंने इतने बुरे काम किए, न जाने कितने झूठ बोले, अच्छा बनने का आपके सामने नाटक किया। हमारे गांव के बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हो, ये तो अच्छा काम है ना? मेरे जैसा चार अच्छी बात बोल दे तो उसे अच्छा आदमी समझना आपकी बेवकूफी है। स्कूल शुरू करने से आपके बच्चों को पढ़ाई मिलेगी या नहीं मिलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन चैरिटी से मुझे बहुत पैसे मिले हैं। ये क्या सर, आपको पता आप क्या बोल रहे हैं? मौत को करीब से देखने वाला कभी झूठ नहीं बोलता, मैं सच कह रहा हूं। मुझे एमएलए बनने का कोई हक नहीं है, भगवान के लिए मुझे वोट मत कीजिए। आखिरी बार एक बात बोलता हूं, मैंने आपके विश्वास से खेला है, इसलिए मुझे माफ कर दीजिएगा। ये क्या किया आपने? बच्चों के भविष्य के लिए जान से ज्यादा प्यार करने वाली लड़की को ही छोड़ दिया, अपने ऊपर ही इल्जाम लगा लिए। सर, आपके जैसा एमएलए इन गांव वालों को फिर कभी नहीं मिलेगा। पहले राउंड में रवि यादव को 2260 वोट मिले हैं। दूसरा राउंड खत्म होते ही 7,330 वोट पा चुके रवि यादव खुश हैं। विपक्ष की तरफ से कितने भी लोग क्यों ना आ जाएं, वीरभद्रपुर रवि यादव का गढ़ है, ये बात फिर से साबित हो चुकी है। छठे राउंड के बाद 340 वोटों से आगे चल रहे हैं कल्याण। आठवें राउंड के खत्म होने के बाद 12,000 की मेजॉरिटी से आगे चल रहे हैं कल्याण। सारी मशीनें तोड़ देते हैं। चलो, हटो, 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 हटो। सर, आपके आदमी काउंटिंग को बीच में बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे तो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। हम खुद आ रहे हैं तो रोकेगा क्या? रोकेगा क्या? इन सभी को अरेस्ट कर। यस सर। सर, ये रवि यादव के नाम पर कंप्लेंट्स है और इसमें है उसके बुरे कर्मों के सबूत।
ब्रेकिंग न्यूज, कल्याण अपने विपक्षी रवि यादव से 25,000 वोटों से जीत चुके हैं। शाबाश, कर दिखाया इसने। जीत अपने लोगों की बातों में नहीं होती, हारने वालों की आंखों में देखनी चाहिए। एमएलए कल्याण जिंदाबाद, 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 एमएलए कल्याण जिंदाबाद। आप ऐसे क्या सोच रहे सर, वोट ना देने के लिए जब आपने खुद बोला तब भी आप कैसे जीते? यही ना, मौत को नजदीक से देखने वाला कभी झूठ नहीं बोलता, बोले थे आप। आपको हमने नजदीक से देखा है, सच नहीं जान सकते क्या? हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हो तो क्या हम आपको जिता नहीं सकते? इतने दिनों तक इनके पास डर और कमजोरी थी, आपके आने के बाद इनको भरोसा हुआ कि कोई तो हमारा है, फिर आपको कैसे छोड़ते सर? अगर प्यार सच्चा हो तो सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। कॉन्ग्रेट्स। मुझे तो पावर वाला दामाद चाहिए था। पावर मतलब कोई ऐसा जिससे बहुत सारे लोग डरे, पर लाखों के प्यार को मैं नहीं समझा। आओ। हाल ही में हुए बाई इलेक्शन में नए एमएलए कल्याण ने अपनी कुर्सी संभाली। वो एमएलए बन गया। नमस्ते सर। तुम? मैं जिंगा बाबू सर। ओ। बीए मैकेनिकल, एमए इलेक्ट्रिकल, एमआई केमिकल, डीबीएम, डीपीएम, डीएमएम, पीजीडीसीए, टैली, फोकस, ऑटो। हाँ, बस बस बस, तुम मेरे पीए के पीए बनने के लायक हो, ठीक है ना? पीए का पीए। गुड मॉर्निंग कल्याणी मैडम। गुड मॉर्निंग। कल्याणी मैडम, एक बार मेरे घर चलो तो। एक चपरासी की इतनी औकात जो मुझे घर चलने को बोलता है, आउट। अगर आपकी पोजीशन खराब हो जाए तो आदमी घर में कुत्ता बन जाता है। नागेश्वर जी। हाँ। आपको एमएलए दामाद चाहिए था ना, अब दो एमएलए मिले हैं। दो एमएलए? परेशान मत होइए, एक एमएलए। हाँ। और दूसरा महान लक्षणों वाला। हाँ। आदमी। हाँ।